तो आप योगी जी हैं या राजयोगी? मैं योगी भी हूं और कर्मयोगी भी हूं। कर्मयोगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है और वो इम्तिहान आप कैसे आश्वस्त हैं कि आप यूपी के गिने चुने नेताओं में शामिल होंगे जो मुख्यमंत्री 5 साल रहे और फिर दोबारा सत्ता में आ पाए? मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया कि भाजपा दोबारा सरकार में आ रही है। मैंने पूछा। और आपकी ये बात सच होगी? उन्हें कहा कि कुछ चीजों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है। शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हमी ने कहा था। और हमने कितना सच किया है, आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टाइम में हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन योगी जी के कार्यकाल में जो आउटर रिंग रोड का काम होना था वो हो नहीं पाया। यमुना एक्सप्रेसवे वो नहीं बनाए थे, उनकी बुआ जी बनाई थी। देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है। उन्होंने 400 का सपना देखा सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। सीटें ही 403। ओह, मैं वही कह रहा हूँ ना कि 500 कैसे नहीं कह दिए, क्योंकि जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल सकते हैं। कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से ही सवाल पूछते रहिए। नहीं, मैं किसी से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। अब सवाल ये है कि बड़े सारे सर्वश्रेष्ठ हूँ, बड़े सारे फ्रंट खुले हुए हैं सर, कोविड से लेकर किसान बहुत सारे, और आप कह रहे हैं 300+, कैसे होगा? 300+ वैसे होगा जैसे आपके मुंह से निकला है। ऐसे निकलेगा, क्योंकि मां सरस्वती हर जगह नहीं विराजमान होती है। कोविड को दो हिस्सों में बांटकर आप देख सकते हैं। पहली लहर के समय आपने कहा, और वो सारी चीजें सबने देखी थी, आप ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सड़क पर उतरते थे, लेकिन दूसरी लहर जब आई है तब जो कहा गया था कि ऑक्सीजन प्लांट्स राज्य सरकारों को भी लगा लेने चाहिए, वो अधिकतर राज्यों में नहीं नजर आया था। क्या वो चंद दिन कोरोना के, उत्तर प्रदेश की आबादी कई कई देशों से बहुत ज्यादा है और यहाँ का मैनेजमेंट और ज्यादा कठिन था, लेकिन क्या कम से कम उन कुछ हफ्तों के दायरे में भी आपके मन में एक अफसोस हुआ कि शायद तैयारियां कम पड़ रही हैं? हम महामारी को फेस कर रहे थे, किसी सामान्य फ्लू को नहीं। एक, और मैं इस चीज का अंदाजा तब भी लगा सकता हूं जब उन परिस्थितियों को फेस करते करते मैं, मेरा पूरी टीम इन्फेक्ट हो गई थी, मेरा पूरा कार्यालय इसकी चपेट में आ गया था। मेरे हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे डीजीपी, ये सब इसकी चपेट में आ गए थे। उन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने अपने दायित्वों को विस्मृत नहीं किया, हम अपने आप को हॉस्पिटलाइज नहीं किए। ऑक्सीजन हम 24 करोड़ जनता को उसकी आपूर्ति करके प्रयास किया जा रहा था कि हर एक व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचे, क्योंकि हम लोगों ने हर एक हॉस्पिटल की ऑडिट करवानी शुरू कर दी थी, जिसको दिल्ली सरकार ने ऑडिट करने से इनकार कर दिया था। वो भाग खड़े हुए, जैसे ऑडिट की बात भारत सरकार ने कही, दिल्ली की सरकार उससे पीछे हट गई और उसकी ऑक्सीजन की डिमांड अपने आप कम होती गई। यूपी पहले दिन से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ था, हम लोगों ने पहले दिन से अपनी ऑक्सीजन की ऑडिट कराई, और उन लोगों के खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की जो इसके नाम पर उस समय ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। मुझे मालूम है यहाँ लखनऊ में भी कुछ हॉस्पिटल थे, एक हॉस्पिटल ने जारी किया कि साहब हमारे पास केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन मैंने जैसे देखा, मैंने तत्काल जिला प्रशासन से कहा, मैंने कहा भी देखो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन भेजो वहाँ पे, कहीं व्यवस्था करो। टीम गई, उन्होंने कहा साहब हमने ऑक्सीजन इनको कल दिया था, पेशेंट कितने हैं ये सही बता नहीं रहे। हमने यहाँ के जिला प्रशासन, मैंने कहा पीपी किट पहन करके अंदर जाओ,
जिलाधिकारी पीपी किट पहन करके अंदर गए, पेशेंट 4, सिलेंडर 60, और उसके बाद कहते हैं कि साहब हमारे, मैंने कहा इसको सील करो, ये पेशेंट दूसरी जगह इनको भेजो। अखिलेश जी यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर इस बात को माना कि वो मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और अगर ये मोदी जी की वैक्सीन नहीं तो योगी जी खुद अपनी तस्वीर क्यों नहीं लगवा लेते हैं सर्टिफिकेट? नहीं, मैं तो वैक्सीन दोनों डोज ले लिया। उन्होंने नहीं ली, उन्होंने कहा ये। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उनके अब्बा जान तो ले चुके हैं। वंशवाद और जातिवाद के दायरे में कैद करके उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। वे लोग देखिए जनता के द्वारा बार बार ठुकराई जा चुकी है। योगी जी, हाँ। जितिन प्रसाद को लाने के पीछे की आप वजह बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। जिस व्यक्ति ने पिछले 3 चुनाव हारे हो उनको आपकी पार्टी क्यों लेकर आई? आपको ये सच्चाई भी जानकारी होनी चाहिए कि जितिन प्रसाद तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे। जितिन प्रसाद तो लोग चाहते तो बहुत लोग हो। मैं क्या कह रहा हूँ ना, अब ये देखिए ज्वाइनिंग तब हो पाती जब दोनों में सहमति हो। क्यों लाए? मैं क्या उस समय आपको उनकी जरूरत नहीं थी, आज ब्राह्मण चेहरा चाहिए? नहीं, हमें देखिए, हमें चेहरा से नहीं, हमें वह हर व्यक्ति चाहिए जो प्रदेश के हित में कार्य करने का इच्छुक हो, और अगर कोई आज आवेदन करे हम तत्काल उसकी एंट्री तो नहीं होने देंगे ना। भाई अखिलेश जी कल कहें हम बीजेपी में आना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कुछ दिन वेट करो बच्चे। अरे आप फॉरन ले लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं, कोई आवश्यकता नहीं, उनसे बड़े हो सकता शिवपाल जी हों। चचा भतीजा सब पे डेंट मार रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आखिर वो बड़े नेता उससे भी बड़े नेता होंगे, उनके पास उनसे ज़्यादा अनुभव होंगे, जमीन से जुड़े हुए रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के सुख दुख के सहभागी रहे हैं, उनको ज़्यादा अनुभव होगा कि नहीं होगा? हाँ। आप अखिलेश यादव के अब्बा जान बार बार बोल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका विश्वास है। मुसलमानों को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, और जितने कानून आप ला रहे हैं सब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ला रहे हैं। हम किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को ध्यान में रख कर के कानून नहीं बना रहे हैं। 17% मुस्लिम आबादी है यूपी के अंदर, और योजनाओं का लाभ उनको 32 से लेकर 35% तक मिला है। क्या हमने रोका किसी का लाभ? किसी का नहीं। पर कानूनों के निशाने पर तो लग रहे हैं। कानून के नहीं, देखिए अगर कोई तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा तो क्या हम आरती उतारेंगे? तो आपका तरीका वही चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में, गाड़ी यूं ही पलटेगी? देखिए प्रदेश में 24 करोड़ जनता के सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा ये एजेंसियां तय करेंगी, और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे भी। क्या निर्देश है आपका उनको, गाड़ी पलटी जाए? देखिए एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दो रहा है? देखिए इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं? कह रहे बुलडोजर संस्कृति तो आपकी है। तो बुलडोजर संस्कृति इसलिए, जिसने जबरन कब्जा किया है तो वहां पे क्या हम मनोहार करेंगे? बुलडोजर वहां चल रहा है जहां चलना चाहिए। राकेश टिकैत आ गए लखनऊ और कह रहे हैं कि लखनऊ को मैं दिल्ली बना दूंगा, क्या दिक्कत आ रही है? तो लखनऊ कर देंगे कह रहे हैं, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, हमें हाँ। दिल्ली और लखनऊ में अंतर महसूस करना होगा। यहाँ पर बैठेंगे वो आंदोलन के, मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रदेश की राजधानी है ना। आपकी पार्टी तो फोटो ट्वीट कर रही है कि जरा बच के आइयो। हम तो सबको सहयोग करना चाहते हैं, सबका स्वागत करना चाहते हैं। आप राकेश टिकैत का स्वागत करेंगे? क्यों नहीं स्वागत, बातचीत ही करा दीजिए सर फिर सरकार। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा, कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात, दिक्कत कोई समस्या नहीं। यही अंतर बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही। मैंने है। क्या कहा ना, दिल्ली है ये लखनऊ है। हाँ। तो मुझे लगता है दूसरा वाला तो, स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है, और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।